90 ऑडिशंस के बाद 90 से मतलब 90 रिजेक्शंस के बाद आपको एक ऐड मिलती है, ये बहुत, और वो भी छोटी सी ऐड. फिर उसके बाद आई गॉट द फर्स्ट शो, द प्रोजेक्ट्स वेयर आई गेट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट थिंग ओनली आई गेट गुड स्लीप इन द नाइट, आई थिंक सो. हाँ, टेलीविजन में मुझे कम काम मिलता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट एवरी डे. मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ कि जो डिफिकल्ट होती है, बाइक से स्टंट या बाइक चलते चलते छोड़ देता हूँ. लोग बोलते मत कर, लेकिन मुझे करने में मज़ा आता है, मैं क्या करूँ. सो हियर वी आर वेलकमिंग धवल, वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड एक्टर्स राइट नाउ. हाय रोहित, वेलकम टू टीवी आई. थैंक यू सो मच, और आपका वेलकम है हमारे पंडिया स्टोर के सेट पर. सो फर्स्टली my most favorite question is that kaisa chal raha hai ye journey with pandya store. See, journey was really amazing, I'll tell you one thing. Aur mujhe acha kab laga, because I do din pehle hi I came from Azerbaijan, and kisi ek local insaan ne mujhe pehchana from the local Azerbaijani guy. He was like, actor Bollywood pandya store, I watch you. Wow, to isse badi baat, hum eastern europe tak hamara show chalta hai, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. द जर्नी वॉज रियली अमेजिंग, बिकॉज दिस इज द ओनली शो वेयर आई लाइक फुल फ्लेज बॉलीवुड हीरो, इफ यू से, बिकॉज आई एम प्लेइंग शिवा, नेक्स्ट डे आई एम प्लेइंग अ भूत, नेक्स्ट डे आई एम प्लेइंग अ वूमन, नाउ राइट नाउ आई एम प्लेइंग अ वूमन इन द शो. और उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, स्टंट करता हूँ, प्यार करता हूँ, उतनी ही तरह की कॉमेडी भी करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, सार से झगड़ता हूँ, फाइट करता हूँ, स्टंट करता हूँ. इट्स अ फुल फ्लेज मसाला परफॉर्मेंस फ्रॉम माई एंड, एंड आई थिंक I'm the only actor जिसके साथ ये लोग इतना experiment भी करते हैं, so I'm very happy. So there's a legacy that comes with Pandya Store. Previous generation has made it hit, and now y'all are turning it more hit. So how has the chemistry been? Every fan wants to know this. Chemistry with the co-actors? Yeah. The co-actors. Natasha. Yeah. The chemistry is amazing, because you know, because every action there is an equal and opposite reaction, I think so. Because तो action reaction से बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक अच्छा performance बना देते हैं. इवन जो हमारी क्यूट बॉन्डिंग है नताशा धवल की, वही है. मतलब क्रिएटर्स भी उसमें अलग अलग तरीके के ग्राफ्स ऐड करते हैं, हमने बहुत रोक कर रखा था, बट अभी शायद से मौका आ गया है कि दोनों एक साथ रहेंगे, यू नो, कि हमने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डाले, आते थे दूर भी छड़ते थे, आते थे दूर भी छड़ते, बट फाइनली वी आर टुगेदर नाउ, कि लेट्स होप कि दूर ना जाए. सो कमिंग टू योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट, हाउ हैज़ इट बीन फ्रॉम योर फर्स्ट शो टिल नाउ, व्हाट ग्राफ हैव यू सीन? I think I have got everything just because of too much hard work, that's it. I think लगता है कि मेरे को बहुत extreme hard work के बाद ही चीज़ें मिलती हैं, and I really enjoy the journey. मुझे ऐसा लगता है इंसान गोल तक पहुँच जाता तो ख़त्म हो जाता है, जर्नी enjoy करनी चाहिए. तो I don't want to reach my goals. मेरे को ऐसा लगता है कि है भी लेकिन नहीं भी है, अगर आप पहुँच जाओगे तो ख़त्म हो जाते हैं. बट द थिंग इज़ दैट आई एम एन्जॉइंग. सी आई हैव लाइक वेन आई केम टू मुंबई आई ड्रीम्ड of so many things, but I have everything now. What next is something different. Let's see, wo dimag mein chalta bhi hai, but end of the day I don't get satisfied, I'll be very honest. Pata nahi main aise insaan hu, dil mange more wala. So looking back at your journey, jab first show mila, yeah, to uska kya process tha, kaise mila? First show after 90 auditions, I think so. Nahi, I think that was ad, aur us ad ke baad mein 90 ऑडिशंस के बाद 90 से मतलब 90 रिजेक्शंस के बाद आपको एक ऐड मिलती है, ये बहुत, और वो भी छोटी सी ऐड. फिर उसके बाद आई गॉट द फर्स्ट शो जिसका नाम मैं लूँगा अभी, मैंने कभी नहीं लिया है, जिसमें मैन वन मैन टू होते हैं ना, बॉय वन बॉय टू, जो कि कोई कैरेक्टर भी नहीं होता है, आई थिंक सो. दैट वॉज यम है हम. लेटर आई गॉट टू नो एक दो साल पहले कि यम है हम वॉज द स्वास्तिक शो, एंड आई एम द लाइक ए लिस्टर एक्टर ऑफ स्वास्तिक. तो द जर्नी इज समथिंग डिफरेंट, एंड सिद्धार्थ कुमार तिवारी रियली लव्स मी सो मच, आई लव हिम, ही इज जस्ट अमेजिंग. हमने एस्केप बनाई साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य बनाए, तो यही जर्नी है, बिकॉज फ्रॉम दैट दिस टू दैट, यू नो. सो व्हेन वी कम टू यू नो योर वेंचरिंग इनटू माइथोलॉजिकल शोज एंड हिस्टोरिकल शोज, वो कैसा रहा है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट यू हैड देयर? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी भी हिस्टोरिक चीज़ को या माइथोलॉजिकल चीज़ को करता हूँ, तो आई थिंक इट्स अ मैक्सिमम लेवल ऑफ हार्ड वर्क. उसके बाद में सारी चीज़ें मुझे आसान लगने लगती है. यू नो, वी यूज़ टू शूट इन करजत फॉर बाजीराव, आपको पता है, तो 45 डिग्रीज की धूप, आई थिंक कवच का वजन भी वो 20 ओरिजिनल बना के लेके था. आई टोल्ड देम, यार बाहुबली में भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हमने मेरे को ओरिजिनल दे दिया लोहे वाला, 20 kgs ऑन माय, और तलवार भी रियल ही होती थी, वो रियल फील की, करजत के स्टूडियोज ही काफ़ी रियल बने. तो
इतने हार्ड वर्क के बाद मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब नॉट छोटी चीज़ें बट सोशल ड्रामा लुक्स वेरी ईजी. सो अब ना एज एन आर्टिस्ट वेयर डू यू वॉन्ट टू गो अहेड, हैव यू फाउंड अ डायरेक्शन टू योर करियर और यू स्टिल सीकिंग? The projects where I get creative satisfactions, I think that's the most important thing. And because of that, that thing only, I get good sleep in the night. I think so. So wherever the creative satisfaction is, I'll go in that way. बस ये. तो ऐसा कोई struggle देखा है अब तक में which you thought के अब मुझे ये acting नहीं करना या should I venture out somewhere else? See, I'll be very honest about it. कि ऐसा कभी नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि it's my passion to observe the world. It's my art to become what I observe. And finally, it's my job to let the world observe me. मतलब मैं जो दुनिया से लेता हूँ वही दुनिया को देता हूँ. I like to observe in everyday life. So I can get and I can pick up different characters. You know, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी भी रोल से परेशान हो जाऊँगा या ये नहीं करना चाहता. ऐसा नहीं है. बट जो रोल्स मैं पहले प्ले कर चुका हूँ मैं शायद से उसके बारे में सोचूंगा कि लेट्स डू समथिंग एल्स. बट ऐसा है कि इवन इन द पंड्या स्टोर यू नो आई एम गेटिंग टू प्ले सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. यू नो एक एक ग्राफ पे मेरा कैरेक्टर कभी नहीं रहा है. ही इज डूइंग कॉमेडी, द नेक्स्ट सीन ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग फॉर हिज फादर लाइक हिज ब्रदर. अगले सीन में इज डूइंग रोमांस. ये तो एक फुल फ्लेश मसाला है मेरे शो में. आई एम रियली एंजॉइंग दिस बिकॉज आई विल से कि आई एम लर्निंग, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस शो. It's a good thing. So talking about you, what are your hobbies and how do you spend your free time? Right now it's just eat, sleep, shoot for Pandya Store, repeat. But I like to collect old coins. ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी है. Old coins and मेरे घर पे अच्छा खासा उसका बक्सा पड़ा भी है. वो मेरे को बहुत अच्छी यूनिक हॉबी लगती है. Horse riding I like. बस that's it. ये मेरी कुछ अच्छी मेन हॉबीज में से है. So you know when we come to you. As an actor, what is that one thing you crave for now that you've reached a pedestal in your career? Again, a creative satisfaction. So I won't like it television because I think I'm maintaining good graph because Escape Life, I got nominated for Filmfare OTT, a transgender right. character. Then I decided to do Bajirao. Television. Again, I did a movie with Arjun Rampal, a full-fledged OTT movie. It's yet to release now. But after that, I'm doing Pandya Store. So it's a balanced life. But yeah, obviously, I get more creative satisfaction in the short-term period because we get more time to prepare the character and the kind of actor I am. I like to prepare the roles and then I portray. हाँ, टेलीविजन में मुझे कम काम मिलता है बट आई ट्राई माई बेस्ट एवरी डे. मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ कि जो डिफिकल्ट होती है. बाइक से स्टंट यार, बाइक चलते चलते छोड़ देता हूँ. लोग बोलते मत कर, लेकिन मुझे करने में मज़ा आता है. मैं क्या करूँ. सो यू नो इफ नॉट एन एक्टर व्हाट वुड यू हैव बीन? क्रिकेटर आई थिंक. ओह, सो हैव यू गॉन टिल स्टेट लेवल और समथिंग? आई यूज्ड टू प्ले फॉर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन. ओह या, आई वाज अ फास्ट बॉलर एंड अ मिडिल, क्या बोलते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. Yeah, but मैंने उसके बाद I stopped, then I focus on studies. फिर उसके बाद acting. ऐसी जल्दी है. So, any message for the fans? Thank you so much, guys. आपने इस show को अलग ही level पर लेकर गया. And after the leap, internet पे काफ़ी trending पर रहता है हमारा show. आप मतलब आपके edits भी जो होते हैं वो हमको हमारे show को नई audience gain करा देती. तो thank you so much for your love. आप जो भी करते हो I really appreciate. In return, I just कैन से आई परफॉर्म बेटर एंड बेटर फॉर यू. रिटर्न में मैं हर फैन की तरफ एक ही मेरा मैसेज होगा कि मैं आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस करूँगा.